भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नववर्ष का आगाज श्री नैना देवी में करने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटकों को एक भी पैसा खान पान पर खर्च करने की जरूरत नहीं है। उनकी मेहमान नवाजी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। पंजाब और हरियाणा की समाज सेवी संस्थाएं विभिन्न प्रकार के व्यंजन श्रद्धालुओं को परोस रहे हैं। स्टॉल लगाकर ऐसी व्यवस्था की गई है जैसे विवाह शादियों में की जाती है। इसके अलावा नववर्ष के पावन उपलक्ष्य पर माँ का मंदिर रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से दूधिया रोशनी में नहाया। मनों में प्राकृतिक सौंदर्य की अपार छटा बिखेर रहे मंदिर की सजावट का कार्य सेवा सोसाइटी लुधियाना के द्वारा किया गया है। श्री नैना देवी में श्रद्धालु एवं पर्यटकों के लिए पंजाब के समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा फ्री खान पान की व्यवस्था की गई है। माता दी, नवे साल पे हर साल भंडारा लाने, दसवां भंडारा हो गई, हर साल पूरा मन तन तो भंडारा लाने। समोसा जी, टिक्की, दही भलाई, नूडल, ब्रेड पकौड़ा। असी लंगर चल रहे हैं जी, अमृतसरी लड्डू बन रहे हैं, पॉपकॉर्न का लंगर है, टिक्की है, चाट है जी, ये सारा लंगर चल रहा है। समोसे, जलेबियाँ, अपने चने दा सारा एक माँ के दरबार से असी सजावट, जो श्री नैना देवी सेवा सोसाइटी वालों फुलों की हर साल की तरह माँ ने हुक्म लाया तो असी सेवा कर रहे हैं। लाइटा की, फुलों की डेकोरेशन की, माँ का जेड़ा दरबार आ हरिया भरिया नज़र आवे तो भगत जन खुश होकर जान। अज श्री नैना देवी लंगर कमेटी पंजाब की तरफ तो 10 लंगर अलग अलग जगह के उत्ते लगाए गए हैं, जिदे भी चाय पकौड़ा, ब्रैड पकौड़ा, समोसा, टिक्की आदि का इंतजाम किया गया है। क्योंकि ये जरा साल है, नवा साल, ये कोविड के कारण लंगर की जी सुविधा दी गई है, सिर्फ चाह के ब्रैड पकौड़े की दी गई है। कोविड करके असी लंगर दूसरा नहीं खिला सके, यात्रा के लिए सहूलत लिए असी चाह, गर्म गर्म चाह पकौड़ा का इंतजाम किया गया है। तो पिछले साल की तरह इस साल भी लंगर लगाए जा पटियाला लंगर कमेटी की ओर से माता नैना देवी के अंदर लंगर चलाया जा रहा है। सभी जितने भी लंगर प्रेमी हैं पटियाले शहर के, सभी यहाँ पे हाजिर हैं। बोल जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी जी। अज नए साल के उपलक्ष्य के नैना देवी की कृपा द्वारा खन्ना मंडी से हम आए हैं कुछ सेवक, जो रात्रि को भक्ति भगत सर्दी में होंगे, हम उनके लिए ब्रेड पकौड़ा, पालक पकौड़ा और गर्म जामुन, साथ में गर्मा गर्म चाय का माता की कृपा से तैयारी करके आए हैं। भगवती माँ का जैसा आशीर्वाद होगा वैसा भी हम जितनी देर इनकी इच्छा होगी उतनी देर लगाएंगे, कल को दोपहर तक। धन्यवाद। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर।